देखिए राजनीति में तीन चार स्कूल हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक शुक्र नीति का स्कूल है जो कृष्ण भी जिसके चैंपियन है चाणक्य का स्कूल है मैकिया का स्कूल है और ये तीनों स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं कि छल प्रपंच राजनीति का एक, एक अनिवार्य हिस्सा है चूंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस छल प्रपंच और जो रामकपाल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि कोई दूध का दुआ नहीं जिसको जहां मौका मिलता है वो दाव लगाता है ये राजनीति और ये आदिकाल से है ये आज से नहीं है हम बार बार आज की राजनीति को दोष दें हाँ कम ज्यादा होता रहता है थोड़ा बहुत लिहाज नाटक थोड़ा पर्दा नशीनी दूसरी बात यह है कि जो जजमेंट है लुईस थॉमस वाला जिस पर यह सुप्रीम कोर्ट का ही कि ऑटोमेटिक सदस्यता रद्द होने वाली बात है उसमें एक थोड़ी सी एम्बिटी है एम्बिटी ये है कि जैसे बाकी जितने मामले थे उनमें सजा मतलब स्टे नहीं हुई थी सजा हुई और सस्पेंड नहीं हुई थी सजा इसमें सजा सस्पेंड थी तो क्या इसमें होता है नंबर एक ऐसा ही एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का है खतौली के विधायक विक्रम सैनी का बिल्कुल सेम उदाहरण था और उनकी सजा भी सस्पेंड नहीं हुई थी बीजेपी के विधायक बीजेपी के विधायक थे एक महीने तक उनकी सदस्यता नहीं गई विधानसभा में कब जाती है सदस्यता जब राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को उठाता है हाउस के अंदर और जाकर के वो करता है फिर बंगला तो उनका बहुत दिनों महीनों बाद खाली हुआ तो ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह के अलग अलग उदाहरण हैं कि अचानक ऑटोमेटिकली चली गई नहीं गई तो अब ये तो जो कानूनी विशेषज्ञ होंगे वो इस पर स्थिति साफ करें अब पीडीटी आचार्य के बारे में जो कहा इन्होंने वो चूंकि खुद पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं तो भी हम हमसे तो कम से कम ज्यादा ही जानते होंगे इस प्रोसीजर के बारे में दूसरा जो है जो पटना कोर्ट चाहे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा एक ही मामले में जब अधिकतम सजा हो चुकी है तो क्या दोबारा वो कोर्ट में स्टैंड करेगा जस्ट साहब कोई पता होगा मुझे लगता है शायद मुझसे ज्यादा कि जब संबंध देने से पहले मुझे लगता है कि कानून में ऐसा कहीं नहीं एक ही अपराध पर दो दो अदालतों से सजा हो और मतलब आज तक ऐसा मामला तो आया नहीं खैर अब ये तो लीगल मामला है स्ट्रेटी की जो बात आप कर रहे हैं निश्चित रूप से रणनीति है देखिए बीजेपी को अमित शाह से लेकर के और बीजेपी के हर कार्यकर्ता को और उनके समर्थकों को बड़ी चिंता है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी कोर्ट से जमानत क्यों नहीं ले रहे हायर कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे अमित शाह ने भी कहा ये दो तीन दिन पहले एक चैनल के प्रोग्राम में और अमित शाह जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है वो भाजपा के शीर्षस्थ नेता है मोदी जी के बाद प्लस देश के गृह मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास फीडबैक भी होगा कि इस मामले का क्या जनता पे असर पड़ रहा है तो जो फीडबैक होगा तो शायद फीडबैक के कारण कुछ चिंता भी हो रही होगी कि यार ज्यादा मामला क्यों लंबा खींच रहे हैं अब हतम खत्म करो यार राहुल गांधी आगे बढ़ो जाके कोर्ट में स्टे स्टे लो हम भी आगे बढ़े तुम भी आगे बढ़ो चाहे लंबा खींच रहे हो तो इसलिए वो, पूरा नेरेटिव वहां से लेकर नीचे तक चल रहा है मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता प्रवक्ता और उनके समर्थक सब इस बात पर परेशान है राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे अरे भाई ये परेशानी कांग्रेस क्यों होनी चाहिए अगर राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है तो आप खुश होइए ताली बजाइए हो अगर राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो रही तो आप खुश होइए आपके सबसे बड़े विरोधी का मुंह बंद हो जाएगा अगर तो आप खुश होइए आप कहा चिंतित क्यों हैं कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर भीतर कोई चिंता है कि यार ये मामला लंबा क्यों चल रहा है तो लंबा कांग्रेस क्यों लंबा चला रही है कांग्रेस का भी अपना फीडबैक होगा कल ही परसों एक चैनल पे संजय कुमार जी थे जो सीएसडीएस के हैं वो भी कह रहे थे कि भाई इससे जो है उनको सहानुभूति मिलती दिख रही है इसलिए कांग्रेस लंबा चला रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी अपना फीडबैक होगा राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी चाहे वेघवेट में अभिषेक मनु सिंह अभी विवेक तनख्वाई सारी की अलग कोर्ट में चली जाएगी ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं राहुल गांधी को फंसा रहे हैं राहुल गांधी फंसा नहीं रहे राहुल गांधी खुद फंसना चाहते हैं लंबा चले मामला मुझे लगता है राहुल गांधी कोई बच्चे थोड़ी है कि अब जी, वकील क्यों नहीं आए? वकील ऐसा थोड़ी है अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी एच क्वालिटी में